इदारे मोहतरम, एक ज़रूरी बात आपसे कर लें, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब कल और परसों हमारे जुलूस हैं, मरकज़ी जुलूस हैं, हमेशा एक गुजारिश करते हैं सबसे। ये ना समझिएगा कि सामने सिर्फ यही मजमा है, हर जगह पहुंच जाती है बात, तो अब हर जगह जानते हैं आप, ये हमारे मीडिया वाले पहुँचा ही देते हैं हर जगह बात के। हमें अपने नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना है ना, हमारे अपने नज़्म व ज़ब्त को। होता ही कि जुलूस में जब हमारे बच्चे जवान आते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, कोई ज़रा सी बात हुई एकदम जज्बाती हो गई, ये कर दो वो कर दो फला को, नहीं ऐसे नहीं करा। जुलूस हमारा है, मजलिस हमारी है, अपने हाथ से हमें कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी है। यानी नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन को बरकरार रखना है। कुछ हो जाएगा, देखा जाएगा, सब साथ है ना, पहले भी भुगतते रहे, निपटते रहे सब चीज़ों से, फिर निपट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान होने की बात थोड़ी है। लेकिन नज़्म व ज़ब्त, एक डिसिप्लिन, कौम अच्छी लगती है ना। आप देखिए, करबला की अब अज़ादारी दूर तो नहीं है, सब होक करके आए, आपने भी देखी आप, और नहीं तो अभी टीवी पे देख लिया, कीजिए करबला आ रहा है, चैनल देखिए, कितने मुनज़्ज़म तरीके से उनकी अज़ादारी होती है ना। वो लोग जो करते हैं, कोई बेचैनी, कोई घबराहट, कोई हबड़ा धबड़, कोई भगा धड़, कुछ नहीं, आराम से कर, लाखों करोड़ों आदमी कर रहा है अज़ादारी और कुछ भी नहीं होता है ना। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये तरबियत हो जानी चाहिए, बच्चों को भी सिखाइए कि जब जुलूस में जाए नज़्म व ज़ब्त। हर आदमी स्काउट्स, हर आदमी दूसरे पर नज़र रखे, नहीं भाई गलत काम नहीं करो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी ख़राबी जानते हैं क्या आ चुकी, जो एक अलमिया है, हमारे यहाँ ख़वातीन जुलूस में साथ नहीं चला करती थी। ख़वातीन बस वहाँ खड़ी होती थी, ज़्यारत कर ली, घर चले गए, ख़त्म, को उनका वाजिब तो नहीं है जुलूस में आना। लेकिन अब चंद सालों से ये अजीब व गरीब काम हो रहा है कि शाना बशाना जा रहे हैं जुलूस में, ये अजीब से। अच्छा, कुछ बातें ऐसी ना कि हमारी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम यहाँ से कर भी नहीं सकते, तो सब सोशल मीडिया पे चली जाती, फिर साहब कहते मौलाना ने ऐसे कह दिया, मौलाना ने ऐसे, भाई कहाँ कहूँ, किसे कहूँ, मुझे बता तो दीजिए। ये समझाने वाली बातें कहाँ समझाओगे, भाई ऐसा नहीं करो, मना करो, ख्वातीन को रोको, तुम्हारा काम जुलूस में नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या काम है आपका, जाए हम ज़ियारत करें, घर जाएँ, ख़त्म हो गई बात, वहाँ से जुलूस में चले चले जाने, कोई तुक नहीं बनता, नहीं मखलूत मजमा, नहीं मखलूत नहीं चाहिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, जुलूस में इमाम ज़माना भी आ सकते हैं और आते हैं, मासूमीन आते हैं, सब आते हैं। वो अल्लाह के बंदो, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो खौफ करो, चले जा रही हैं सब, मर्दों के साथ साथ चले जा रही हैं, और मर्द भी नहीं रोक रहे उनको, उनके मर्द कैसे हैं जो लेकर आ जाते हैं, भाई नहीं लाओ बीच में, क्यों जुलूस में चल रही, मर्दों का जुलूस है, ज़रूरी है कि उनको साथ साथ लेके चला जाए। तो खुदा के लिए पैगाम जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचाइएगा, भाई मैं तो बोला करता हूँ, कोई माने ना माने, मगर मेरा काम है समझाना, मैं समझाता हूँ, जो बात समझाने की अच्छी लगे या बुरी लगे। तो खुदा के लिए इन चीज़ों का ख्याल करें, ना करें ऐसा, ना करें अपने जुलूसों को जो ऑर्गेनाइज, और कराची का जुलूस तो दुनिया में मशहूर है भाई, उसको क्यों ख़राब करते हो अपने हाथों से, उसको समझाएं, बनाएं। स्काउट्स हमारे, यकीन जानिए कि अगर स्काउट्स हमारे ना हों तो, मैंने खुद इंतज़ामिया की बातें सुनी है कि अगर आपके स्काउट्स ना हों तो हम ये जुलूस लेके चल ही नहीं सकते आपका, ये हमारे स्काउट्स का कमाल है। और हमेशा स्काउट्स के लिए कहता हूँ कि छोटा सा बच्चा भी खड़ा है ना, तो आप पाबंद हैं उसकी हिदायत के, अगर वो कह दे कि गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी कर, नहीं खड़ी करनी, आप कौन, कोई नवाब बन के आगे, कोई बादशाह बन के आगे कौन हो गए जो आप उससे लड़ रहे खड़े हुए स्काउट्स के, नहीं मैं यहाँ खड़े हो रहा, तो तुर्रम खाओ, कौन हो तुम। वो स्काउट्स के बच्चे, हमेशा मैं कहता हूँ कि स्काउट्स के साथ, अपने स्काउट्स के साथ ताबुन करें, जैसे वो बेचारे इंतजाम कर रहे हैं ना, बस आप बड़े चैंपियन हैं, हम आज़ादारी के चैंपियन, वो क्या है बेचारा, अगर आप बड़े चैंपियन तो वो भी सब छोड़ दें, इंतजाम आपके साथ आ जाए ना, फिर कौन करेगा इंतजाम। तो कभी छोटा बड़ा नहीं समझते किसी को, ये हमारे एक बड़े गुरूर आ गया लोगों में कि मैं बड़ा आज़ादार, मैं बड़ा मातमी, क्या मतलब है, किसको क्या मालूम कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसी को क्या मालूम, वो जानते उनकी बारगाह में किसका मनसब क्या है। भाई ये बातें छोड़ दो, ये खामखा की इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली बातें कि रोप डाल लें सबके पर, नहीं, स्काउट्स के बच्चे, जवान बूढ़े, जो भी है स्काउट्स, बूतराब स्काउट्स हों, अबुल हसन स्काउट्स हों, हैदरी स्काउट्स हों, हुसैनी स्काउट्स हों, अबुल कासिम स्काउट्स हों, ये सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं भाई। अल अब्बास और ये जाहिर है कि एक तंजीम, एक स्काउट पूरे कराची को नहीं संभाल सकता, तो हर जगह अलग अलग स्काउट्स की तंजीमें, जाहिर में सबके नाम मुझे याद नहीं और आते भी नहीं, एकदम याद आ जाते मैं सबके नाम ले देता, मेरे बच्चे हैं भाई ये, मैं शुरू से, आप जानते हैं जो मुझे सुनने वाले, पहले दिन से, पहले साल से आपको यही बताता हूँ आखिरी मजलिस में या पहली मजलिस, कि स्काउट्स के साथ पूरा ताउन करें, स्काउट्स के साथ ये जुलूस लेकर चलते हैं, ये हमारे फूल हैं, इनसे हमारी जीनत होती है, इनसे हमारी रौनक होती है, स्काउट्स के बच्चों से ना,
ये दुनिया में एक मैसेज जाता है कि एक मुनज़्ज़म जुलूस है और देखो ये छोटे छोटे, एक छोटा सा बच्चा विसिल बजाता है, मुझे अच्छा लगता है कि उसके विसिल बजाने पे जुलूस चलता है, उसके विसिल बजाने पे लाखों आदमी रुक रहा है, लाखों आदमी चल रहा है। यार तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पैगाम सब जगह पहुंचेगा। अपने देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है ना सोशल मीडिया का ना क्लिपे चलवाने का, लेकिन मेरे अपने बिरादरान से जो ये काम करें इनसे मेरी गुजारिश है कि ये वाला मैसेज शुरू का अगर मेरा चला सकते हो चला दे, क्योंकि कल और परसों का दिन है बड़ा अहम, और ये स्काउट्स तक भी पहुंच जाए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है ना कि हाँ मेंबरों से हमारे लिए बात हो रही है, लोगों को समझाई जा रही है एक बात के नहीं है, स्काउट्स के साथ तावन करना है। परवरदिगार सबको सलामत रखे, तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता, जैसे हर साल हम कहते हैं कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहे। और अल्लाह ने कोई इम्तिहान रखा है आपके और मेरे नसीब में, भाई देंगे इम्तिहान, बात ख़त्म हो गई। खड़े हैं, पहले भी इम्तिहान दिए, फिर इम्तिहान देंगे, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। हमारी तारीखी इन इम्तिहान से भरी हुई है। बस तमाम अज़ादारों की सेहत व सलामती के लिए, हिफ्ज़ व सलामती के लिए बुलंद आवाज़ से एक सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर।